और यहाँ पर गूगल मैप्स का यूज करते हैं और अपने ऑफिस से घर तक पहुंचते हैं इसका नेविगेशन यूज करके। लगता है दोस्तों फायरबॉल ब्रांड बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुका है एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच को लेके। पहले ड्रीम लॉन्च की थी, अब ओरेकल लॉन्च कर दी है और मस्त फुहारों से स्वागत किया जाए। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर रिसेंटली ही फायरबॉल ब्रांड ने अपनी फायरबॉल ड्रीम स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया था, जो कि एक एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉच है। उसका हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप चेकआउट करके उसको देख सकते हैं, सारी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। और वैसे आप बोल सकते हैं सिमिलर आपको स्मार्ट वॉच लॉन्च की फिर से फायरबॉल ने, दैट इज फायरबॉल ओरेकल स्मार्ट वॉच। और यहाँ पर इसका जो लॉन्च प्राइस रखा गया है वो है 6000 रुपीज के आसपास, प्राइसिंग इसके बढ़ भी सकते हैं। और जो लुक एंड फील दिया गया है स्मार्ट वॉच का, यहाँ पर आपको एप्पल अल्ट्रा के लुक एंड फील की आपको पूरी बिल्ड मिलने वाली है स्मार्ट वॉच में, काफी कूल लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। इसमें आपको 4G नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा और साथ ही में 2GB रैम और 16GB की आपको स्टोरेज मिलने वाली है। प्ले स्टोर दिया गया, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सारी डिटेलिंग चेकआउट करेंगे स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्ट वॉच के बारे में, हालांकि ये हाथों में पहनने वाला स्मार्टफोन इसको आप बोल सकते हैं, और क्या इसको आपको स्मार्टफोन से रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं, सारी आप टेस्टिंग देख लिए हैवी तरीके से एंड तक पॉसिबल से आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको फायरबॉल ओरेकल एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉच का ऐसा आपको बिल्कुल बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। साइड में देख सकते हैं काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। और बैक साइड में प्राइसिंग मेंशन है 25000 रुपीज के आसपास, बट इसका लॉन्च प्राइस 6000 रुपीज के आसपास है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको बहुत सारा पेपर वर्क मिलने वाला है, यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी, वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह आपको मिलने वाला है, कुछ कूपन कोड्स बुक माई शो के। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, यहाँ पर आपको जैसे स्मार्ट वॉच रिसीव हो सबसे पहले आप यहाँ पे 60 मिनट्स एक घंटे के आसपास को आप चार्ज कर लीजिएगा फुली। एक बढ़िया लेंथ आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच, और साथ ही में आपको एक प्लास्टिक बिल का सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। ऐसे लुक एंड फील आपको यहाँ पे बोल सकते हैं एप्पल अल्ट्रा के लुक एंड फील आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको मल्टीपल स्ट्रैप्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो स्ट्रैप्स को ऐसे आप डिटैच भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्वालिटी यहाँ पे सही मेंटेन की गई स्ट्रैप्स की। और पूरी आपको टफ मेटालिक बिल्ड मिलने वाली है, बॉडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। साइड में आप देख सकते हैं आपको बिल्ट इन स्पीकर मिल जाएगा, एक सिम इजेक्टर यहाँ पे आपको ट्रे दी गई है, साइड में आपको एक मल्टीफंक्शन बटन के साथ एक क्राउन की फंक्शनलिटी भी मिलने वाली है। और जो सिम इजेक्टर टूल दिया गया उसके हेल्प से आप जो सिम इजेक्टर ट्रे है उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नैनो 4G सिम कार्ड का सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, सिम कार्ड को यहाँ से आप प्लेस करके सिंपली आप यहाँ पे प्लग इन प्ले करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सिम कार्ड जैसे आप डालते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा स्मार्ट वॉच को आप रिचार्ज कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत फेस ना हो नेटवर्क को लेकर। और फ्रंट में यहाँ पे आपको 1.96 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलने वाला है, व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे आपको सही मिल जाएंगे, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। आपको वैसे UI जो दिया गया है, जो एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे स्क्रॉल करने में यूज करने में ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है, UI सही तरीके से वर्क करता है। और साइड में आपको एक क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी, इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई आवाज नहीं आती है क्राउन को यूज करने में, बिल्कुल आप बोल सकते हैं स्मूथ क्राउन दिया गया है। इसको आप ऐसे रोटेट करके मल्टीपल वॉच पे से स्विच कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, या फिर जो मेन्यू इसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं यूज करके। और इसमें आपको मल्टीपल मेन्यू व्यूज मिलने वाले हैं, जो नीचे वाला बटन इसको आप ऐसे डबल प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आपको मेन्यू व्यूज मिल जाएंगे, जो आपको मेन्यू व्यू पसंद आ रहा है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आपको मेन्यू व्यूज मिल जाएंगे। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच नहीं है, इसको आप रिस्ट फोन बोल सकते हैं, वेयर अ फोन का यहाँ पे हैशटैग दिया गया है ब्रांड की तरफ से। मतलब जो नॉर्मल स्मार्ट वॉचेज रहती हैं उसमें ना आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, फिर यहाँ पे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं जो आपके फोन में आए, वैसे आपको यहाँ पे फीचर नहीं मिलने वाला है। इसमें स्मार्ट वॉच बिल्कुल सिम कार्ड सपोर्ट करती है, जैसे नॉर्मल स्मार्टफोन सपोर्ट करती है, यहाँ पे आप सिम कार्ड को यहाँ पे प्लग इन प्ले करके यूटिलाइज कर सकते हैं एक फोन की तरह अपने हाथों में, उस पर्पस के लिए मेनली इसकी डिजाइनिंग की गई है। ये एक एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 दिया गया है, साथ ही में 2GB की रैम मिल जाएगी, 16GB का आपको स्टोरेज मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको क्वाडकोर CPU दिया गया है प्रोसेसर स्मार्ट वॉच में ही। और यहाँ पर अगर हम इसकी UI की ओवरव्यू की बात करते हैं, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप ऐसे डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं मैसेज को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर, फेसबुक के लेके, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 4G नेटवर्क का ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो मैंने सिम कार्ड इंसर्ट की थी यहाँ पे नेटवर्क दिखा रहा है उसके, साथ ही में वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं, साइलेंट मोड भी डाल सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, लोकेशन का ऑप्शन मिलने वाला है, आपको बिल्ट इन GPS मिलने वाला है, लोकेशन की जो ट्रैकिंग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ब्राइटनेस को यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा परफेक्ट भी नहीं बोल पाएंगे, आप बोल सकते हैं कि सनलाइट में, हैवी सनलाइट में अगर आप यूज करते हैं ऐसे दिक्कत तो नहीं आएगी। इसमें आपको IPS डिस्प्ले दिया गया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन मैनेजेबल तरीके से आप आउटडोर कंडीशन में यूटिलाइज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। साथ ही में शट डाउन करने का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टर रखनी है स्मार्ट वॉच को वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, तो मल्टीपल आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको APN का ऑप्शन,
वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच को। फिर वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया गया, मल्टीपल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो भी आप कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट भी। साथ में ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया गया जैसे नॉर्मल फोन में दिया होता है, यहाँ से आप TWS को कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, नेकबैंड को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाके। वाईफाई हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपको हॉटस्पॉट यूटिलाइज करना है किसी साथ शेयरिंग करनी वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। लोकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वायरलेस अपडेट्स, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, मैक्सिमम यहाँ पे आपको 70 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, सेट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का ऑप्शन, यहाँ पे आप लैंग्वेज में जाएंगे तो मल्टीपल आपको लैंग्वेजेस मिलने वाली, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा का ऑप्शन भी दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको हिंदी भाषा में यूटिलाइज करनी है स्मार्ट वॉच को वो भी आप कर पाएंगे यहाँ पे। मल्टीपल आपको एप्लीकेशंस व्यू मिलने वाली है, वॉच फीचर्स का ऑप्शन, साउंड की आप सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से, डेट एंड टाइम, पासवर्ड, SOS, बैटरी सेविंग, एप्लीकेशन रीबूट, फैक्ट्री रीसेट, शटडाउन, मल्टीपल यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी स्मार्ट वॉच की सेटिंग्स में। और स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉच फीचर्स का ऑप्शन मिलने वाले, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मल्टीपल आपको बिल्ट इन वॉच फीचर्स मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं मल्टीपल वॉच फीचर्स इंटरनेट को यूज करके। और जो साइड में क्राउन वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मैसेजिंग का ऑप्शन, डायल पैड आपको मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कॉल लॉक, कॉन्टैक्ट्स, डायल पैड मिल जाएगा, कॉलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी का कॉल आएगा तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप एक यहाँ पे कॉलिंग का टेस्ट भी देख लीजिए, सिम कार्ड इंसर्ट करके मैंने की हुई है। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, रेस्ट कर रही थी। रेस्ट कर रही हो? हाँ। ओके, अभी फायरबोल्ट ने यहाँ पे एक ओरेकल स्मार्ट वॉच के मतलब एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, इसमें सिम डलती है, यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच में सिम डाल के बातचीत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसी पार्क साइड कंडीशन में ऑफिस के बाहर, मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है। ओके, लाउडनेस वोकल जो है काफी क्लियर है, लाउडनेस भी काफी अच्छी है। जैसे एक नॉर्मल स्मार्टफोन से बात कर रहा है वैसी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? उससे भी अच्छी आ रही है। अच्छा, उससे भी अच्छी आ रही है, क्या बात है। चलो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है मतलब बातचीत करने में हमारी? नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बिना कोई डिस्टरबेंस के अच्छे से बातचीत हो रही है। ओके दीक्षा, थैंक यू। कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम पे, और यहाँ पर आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि स्मार्ट वॉच में आपको ऐसा कोई कैमरा नहीं दिया गया है, आप तो वीडियो कॉल नहीं कर सकते, मतलब आप खुद को नहीं दिखा पाएंगे अभी वीडियो कॉल के टाइम पे, लेकिन सामने वाला अगर फोन से बात करें तो उसको आप देख सकते हैं उसका कैमरा यूज करके यहाँ पे स्मार्ट वॉच में। तो ये वाला फीचर इसमें आपको मिलने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्ट इन कैमरा देना चाहिए था, जो कि इसमें आपको मिसिंग मिल जाएगा। साथ ही में कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, एल्बम में आपको कुछ स्टोर करनी है अपनी पिक्चर्स, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो स्टोरेज दिया गया है बिल्ट इन। यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, म्यूजिक यहाँ पे आप स्टोर करके म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे नॉर्मल फोन में मिलता है, यहाँ पे आप ब्राउजर को यूटिलाइज करके जो गूगल का ऑप्शन दिया गया है उसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं कुछ भी आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देख सकते हैं, काफी आपको क्लोज रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किट में, और स्मार्ट वॉच में हल्की सी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। और यहाँ पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, मल्टीपल आपको कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, अलग अलग आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे अगर आप फिटनेस फ्रीक है उस पर्पज के लिए, आप यहाँ पे ट्रैकआउट कर सकते हैं। और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने हाथों में स्मार्ट वॉच को टाइटली पहन के आप बोल सकते हैं घूम फिर के मैं 40-42 स्टेप्स के आसपास में चल के आया था, लेकिन स्मार्ट वॉच में यहाँ पे 35-36 स्टेप्स के आसपास दिखा रहा था। तो कभी कभी आप बोल सकते हैं हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाली है स्टेप काउंटिंग को लेकर एक्यूरेसी। अलार्म सेट करने का ऑप्शन, बिल्ट इन कैलकुलेटर, ऐप मैनेजमेंट, प्रेशर, मोबाइल असिस्टेंट, वीडियो का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे वीडियो फाइल सेव करके यहाँ से प्ले कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में। कैलेंडर का ऑप्शन और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, गूगल का प्ले स्टोर, यहाँ से आप साइन इन करके जो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपको गेम्स इंस्टॉल करने हैं, आपको यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल करना है, आपको कैब बुक करनी है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है, यहाँ पे आपको गेम्स खेलने हैं, तो मल्टीपल आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट दी गई है। नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह इसको आप ट्रीट कीजिएगा, आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं सारे के सारे फीचर्स। यहाँ पर आपको बिल्ट इन GPS दिया गया, गूगल मैप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन डालनी है फिर आपको यहाँ पे ट्रैकआउट करनी है स्मार्ट वॉच के थ्रू वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पे पैदल चलेंगे या थोड़ा बाइक पे अगर आप राइड करते करते नॉर्मल स्पीड में अगर आप चलेंगे तो प्रॉपर आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी यहाँ पे गूगल मैप्स को लेके, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पीड में चलते हैं तो ट्रैकिंग में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा डिले लग सकता है, तो नॉर्मल यूसेज के लिए इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं गूगल मैप्स को। साथ ही में यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पे वीडियोस प्ले करने हैं यूट्यूब में, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स देखने हैं, तो ऐसा आपको आउटपुट मिलने वाला है इसके यूट्यूब के थ्रू। पानी नहीं, हम नहीं देंगे। मम्मी देखो पापा।
टाइमर, स्टॉपवॉच, कंपास का ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेकआउट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं स्मार्टवॉच के थ्रू ही। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लॉगिन करके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मैसेजिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, कैंडी क्रश, सर्विस सर्फर, यहाँ पर मैंने टेम्पल रन भी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पर मैंने टेम्पल रन को अच्छे से खेल के देखा हुआ है। सर्विस सर्फर को भी मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से खेला हुआ है, ऐसे दिक्कत नहीं आई, आराम से आप बिल्कुल नॉर्मल जो गेम्स रहते हैं स्मूथ तरीके से खेल पाएंगे। लेकिन जो हैवी गेम्स रहते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा साफ साफ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरेज भी खाते हैं और यहाँ पर जो प्रोसेसर है उनके लिए नहीं बना हुआ है। नॉर्मल गेम्स के लिए, कैजुअल पर्पस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे ज्यादा गेम खेलेंगे, 15-20 मिनट 25 मिनट गेम खेलेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू देखने को मिलेगा, हल्की फुल्की आप बोल सकते हैं स्मार्टवॉच हीट होती है। तो एडिकेट तरीके से यूज करेंगे आपको सही आउटपुट मिल जाएगा गेम्स को लेकर। यहाँ पर आप ऊपर से लॉग इन करके अगर आप कैब बुक करनी है वो भी आप कर सकते हैं, जोमेटो से यहाँ से आपको ऑर्डर करना है वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो एप्लीकेशन का यूज करने में वो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप स्मार्टवॉच को ऐसे सर्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पर्टिकुलर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो यूज करते हैं या गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा स्मूथनेस आपको नहीं लगेगी एप्लीकेशन को यूटिलाइज करने में। डिसेंट आप बोल सकते हैं, यूआई वर्क करता है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन स्मार्टवॉच को एक्सेस करने में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्मूथ आपको यूआई मिल जाएगा स्मार्टवॉच को पर्टिकुलरली। यहां पर अगर आपको पेमेंट भी करनी है पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, तो पेमेंट आप कर सकते हैं अपने यहाँ पे लॉग इन करके, लेकिन यहाँ पे स्कैन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। किसी का फोन नंबर डाल के वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई अगर आपको पेमेंट करनी है तो। साथ ही में इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंट फीचर मिल जाएगा, अगर आप जिम पर्पस की यूटिलाइज करते हैं, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी वैसे स्मार्टवॉच को। और यहां अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करेंगे, यहां पर इसमें आपको बिल्ट इन 700mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप इसका हैवी यूसेज करेंगे, लगे रहेंगे बिल्कुल दिन भर इसमें, अप्रॉक्सिमेटली आपको यहां पे बोल सकते हैं 7-8 घंटे का ही प्ले टाइम मिलने वाला हैवी यूसेज पे। अगर आप गेम ज्यादा खेलेंगे तो आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी। एडिकेट तरीके से अगर आप इसको यूज करते, थोड़े गेम्स खेलते, थोड़ी बहुत इसको आप रख देंगे, थोड़ी कॉलिंग करेंगे, लगभग आप बोल सकते हैं 16-18 घंटे के बीच में आपको यहां पे बैटरी लाइफ मिलने वाली है, जैसे नॉर्मल फोन प्रोवाइड करती है नॉर्मल यूसेज पे, एक दिन के आसपास आप बोल सकते हैं। एडिकेट यूसेज पे, नॉर्मल यूसेज पे आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। ज्यादा हैवी यूसेज करेंगे आपको यहां पे कम बैटरी लाइफ मिलेगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखा जाए, स्मार्टवॉच मेनली उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में स्मार्टफोन अलाउड नहीं है तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। या आप कुकिंग के टाइम, ड्राइविंग के टाइम पे भी, इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपको कॉल्स करनी है तो उस पर पर्सनली भी चेकआउट कर सकते हैं। या जो सीनियर सिटीजन रहते हैं जो अपना फोन बार बार घर पर भूल जाते हैं, उनको हाथों में पहना लीजिए, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर आप एक सेकेंडरी फोन सर्च कर रहे हैं तो उसकी जगह आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो आईफोन यूजर्स रहते हैं एक सेकेंडरी फोन रखते ही रखते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी इसको ग्रैब कर सकते हैं। अब हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया उसको परचेस करना चाहिए कि नहीं, मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया, अगर आप यहाँ पे एक स्मार्टफोन का एक रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको सेकेंडरी स्मार्टफोन चाहिए अपने हाथों में, उस पर्पस इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक्स दे दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड फायरबोल्ट ओरेकल एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टवॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।